Hello, my dear students. Today we are going to read and learn poem number seven, and the title of the poem is The Trees. It is written by Edrin Rich. This poem presents a conflict between men and nature. The poetess Edrin Rich suggests here that the trees and plants used in the interior decorations in cities are as imprisoned, they need freedom. हमने क्या किया है पेड़ों को सबको घरों के अंदर बांध दिया है विच इज़ नॉट देयर एक्चुअल प्लेस द नेचुरल हैबिटेट और यू कैन से द नेचुरल सराउंडिंग फॉर देम इज ओपन स्पेस यू कैन से फॉरेस्ट जबकि हमने उन्हें घरों में बंद कर लिया है दीज ट्रीज वॉन्ट टू मूव आउट टू द फॉरेस्ट वि ट्रीज़ आर डिक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन हमने पेड़ों को काट काट के काट काट के पूरी जगह को खाली कर दिया है यानी पेड़ छोड़े ही नहीं है कहीं पे द पोइटिस सेज दैट एवरीथिंग हैज़ अ डीप डिजायर फॉर फ्रीडम इट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड वेलबींग यानी हर किसी को फ्रीडम का अधिकार है हर किसी को अपनी नेचुरल जगह में रहने का अधिकार है सो चिल्ड्रन द पोएम ऑल्सो हैज अ सिम्बॉलिक मीनिंग सिम्बॉलिक मीनिंग समझते हैं यानी वर्डिंग्स कुछ और बताए जाते हैं लेकिन सिम्बलाइज कुछ और भी करता है तो यहाँ पे टाइटल जो हम देख रहे हैं द ट्रीज तो द ट्रीज़ आर एन एक्सटेंडेड मेटाफर फॉर वुमेन आपको याद होगा वॉट इज़ अ मेटफ़र जहाँ पर हम दो चीज़ों का कंपेरिजन करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ एज एन लाइक तो यहाँ ट्रीज़ जो है ट्रीज़ का नाम ले कर सारी चीज़ें ट्रीज़ के बारे में बताई गई है लेकिन हम दूसरे वे में अगर इसको देखना चाहें तो अगर हम ट्रीज़ की जगह पर वुमेन को देखते हैं तो सारी स्टोरी यानी सारे जो पोएम में स्टैंड है वो आपको वुमेन के बारे में भी इंडिकेट करेंगे द पोइ सेज़ दैट द वमेन हैव रेस्टेड

आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट द फॉरेस्ट दैट वॉज एम टी ऑल दीज डेज तो यहाँ पे पोएटर्स ने ट्रीज़ को डिस्क्राइब किया है कि द ट्रीज़ आर आई द डेकोरेटिव प्लान्स केप्ट इन साइड अ हाउस और आर शोन इन अ पेंटिंग और अ पिक्चर सो देर इज़ नो प्लेस फॉर एनी वन यानी जो ट्रीज अंदर थे अब वो बाहर फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं उस फॉरेस्ट में जो अब तक खाली था वेर नो बर्थ्स कुछ सेट नो इंसेट हाइट यानी ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे कोई भी बर्ड जो है वो बैठ नहीं सकता बिकॉज देर इज़ नो ट्री कोई इंसेक्ट छुप नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर पेड़ है ही नहीं है नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो बरी मीन्स टू हाइड द फॉरेस्ट दैट वॉज एमटी ऑल दीज नाइट्स विल भी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग सो किसी बर्ड को किसी इंसेक्ट के लिए जगह नहीं है क्योंकि पेड़ है नहीं सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द फॉरेस्ट

तो वुमेन आर ऑल्सो मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट नहीं है यहाँ पे यानी इन टू द सोसाइटी जो अपना समाज है अब तक इन्हें कैद सॉर्ट sort ऑफ of कैद रखा गया था तो अब दे आर ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी बाहर जा रही है और बहुत कुछ करेगी वो सोसाइटी में लेट्स रीड द सेकेंड स्टैंडर ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज दम सेल्फ फ्रॉम द क्रैक यानी पूरी रात जब सुबह इनको निकलना है फॉरेस्ट में तो पूरी रात क्या है पेड़ों की जड़ें काम कर रही है किस चीज़ में अपने आप को फ्री करने के लिए जो क्रैक्स है जो उनकी जड़ें जो पूरी नीचे तक जमी हुई है वो उनको निकालना चाह रही है अपने आप को बरामदे के फ्लोर से फ्री करना है द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एग्जर्शन तो लीव्स क्या कर रही है दे मेकिंग एफर्ट्स टू मूव टूवर्ड्स द ग्लाफ ग्लास किस लिए शायद हो सकता है वो लाइट की तलाश में है ना इन सर्च ऑफ लाइट और जो बाहर जाना चाह रही है तो कहीं से तो वो निकलेंगे एंड द स्मॉल ट्विग स्टिफ विद एग्जर्शन लॉन्ग क्रैम्प बोज शफलिंग अंडर द रूफ ट्विग्स बेटा बोलते हैं छोटी छोटी टहनियों को जो स्मॉल ट्विग्स होती है आई मीन स्टेम्स होते हैं उन्हें ट्विग कहते हैं स्टिफ जो एकदम कड़क हो जाते हैं एक्जर्शन यानी पूरा प्रेशर या आ, एनर्जी लगाना क्रैम्प्ड का मतलब होता है श्रंक हो जाना बोज मीन्स ब्रांचेस एंड शफलिंग मीन्स मूविंग सो बेसिकली द ट्विगज जो छोटी टहनियाँ हैं देव बिकम स्टिफ एज दे आर ट्राइंग टू पुल दमसेल्फ टर्ड्स द लाइट जहाँ रोशनी है जहाँ बाहर का रास्ता है वो उस तरफ अपने आप को खींच रहे हैं और जो डालियाँ हैं द बोज ऑफ द ट्रीज दे आर ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स टू मूव आउट एंड हाउ दे आर मेकिंग एफर्ट्स लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोज जिस तरह से कोई नया नया पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है यानी उसको घर जाने की परमिशन मिल जाती है तो जब वो बाहर निकलता है हॉस्पिटल से या क्लिनिक से तो कैसा होता है हाफ़ डेज यानी हाफ़ कॉन्शियस पूरी उसमें एनर्जी नहीं होती है पूरी चेतना नहीं होती है लेकिन घर जाने की खुशी होती हैप्पीनेस होती है सो so यहाँ पर जो दो बोज है ट्रीज़ की डालियाँ सो दे आर कंपेयर टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स

जो पोइटर्स है वो कह रही है कि मैं बरामदे में बैठी हूँ और मैं लेटर्स लिख रही हूँ इन विच आई स्केसली मैंशन द डिपार्चर स्केसली मतलब हार्डली यानी मैं जो लेटर्स लिख रही हूँ उसमें मैं इन ट्रीज के बारे में यानी वो घर से बाहर जा रहे हैं ऐसा कुछ मैं नहीं लिख रही हूँ उसमें इन विच आई स्केर्सली मैंशन द डिपार्चर्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस द नाइट इज फ्रेश द होल मून शाइन्स अब ये डिस्क्राइब कर रही है नाइट को इन अ स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ़ लीवस एंड लिचिन तो लिचिन होते हैं बेटा क्रशी पैचेज ऑन अ ट्री जो पेड़ होता है उस पर जो छाल जैसी नहीं होती है उसको लिचिन बोलते हैं स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम सो शी सेज दैट नाइट इज़ वेरी क्लियर शी कैन सी द कम्प्लीट मून विच इज़ शाइनिंग एंड द स्मेल ऑफ लीवस एंड लिचिन इज़ लाइक अ वॉइस एक आवाज़ है वो विच इज़ टेलिंग देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम ऐसा लग रहा है जैसे सभी पेड़ पौधे कह रहे हैं कि हमें भी आज़ादी चाहिए जो अपने घर में हमें कन्फाइन कर रखा है बंद कर रखा है इवन वी वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ ईयर ठीक है तो पोइटर्स यहाँ पे इन आवाज इन जो साउंड्स है उनको सुन रही है और वो कह रही है कि एवरी वन एवरी ट्री विच इज़ इनसाइड दे वॉन्ट टू गो आउट माई हेड इज़ फुल ऑफ फिस्पर्स विच टमोरो विल बी साइलेंट पोएट कह रही है मुझे पेड़ों की विस्पर्स यानी आवाज़ सुनाई दे रही है जो कल तक शांत हो जाएगी बिकॉज मॉर्निंग टिल मॉर्निंग सब चले जाएंगे यहाँ से लिजन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग इससे पहले भी पोइट्स ने कहा था ना ग्लास के बारे में यानी ट्विक्स जो है वो ग्लास की तरफ झुक रही है जहाँ लाइट आ रही है उस तरफ झुक रही है तो अब ग्लास क्या हो रहा है इट इज़ ब्रेकिंग द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड स्टम्बलिंग मीन्स वॉक अनस्टेडिली लड़खड़ाना बेटा फॉरवर्ड की स्पेलिंग सही कर लेना बाय मिस्टेक इट्स रॉन्ग इंटू द नाइट विंडस रश टू मेट देम तो जैसे ही पेड़ बाहर निकल रहे हैं यानी वेन दे आर स्टम्बलिंग बाहर से विंड्स जो है वो आ रही है दे आर रशिंग टू मेट देम जिस तरह से वेलकम कर रही हो कि आ जाओ यू आर सो ऑफ आर वेलकमिंग यू द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिररर इट्स स्पीसीज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऊ तो बेटा यहाँ लिखा है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर अब यहाँ मून एक्चुअली ब्रेक नहीं हुआ है ये जो ओक ट्री है आप जो पिक्चर में भी देख रहे हो पेड़ है वो मून के बिल्कुल यानी मून उस डालियों में से उन टहनियों से दिखाई दे रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे मून के टुकड़े हो गए हैं एक्चुअल में दे आर नॉट पीसेस बट इट सीम्स लाइक दैट है ना सो इट्स पीसेस फ्लैश नाउ उसके जो मून के पीसेस हैं वो फ्लैश शाइन हो रहे हैं कहाँ से उस ओक से हमें दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ओक ट्री को जैसे राजा क्राउन पहनता है उस तरह से मून का क्राउन पहना दिया गया है ना तो उन्होंने जो ग्लास विंडो ब्रेकिंग का साउंड सुना था ट्रीज जो है वो रात को स्टम्बल आउट कर रहे थे विंड है वो उन्हें वेलकम करने के लिए आ रही है और फाइनली वो कह रही है कि मून जो है इट्स लुकिंग लाइक अ मिरर एंड अपीयर्स टू हैव बीन ब्रोकन इन टू मैनी पीसेज एज द शेडो ऑफ द ओक ट्री डिवाइड्स द मून इंटू मैनी फ्रैगमेंस ऐसा लग रहा है ना बहुत टुकड़ों में बट गया है ये तो अगर हम इसको विमेन पे देखते हैं यानी इस पोइट्री को ट्रीज़ की जगह अगर हम विमेन डालते हैं तो बेसिक जस्ट जो निकल के आता है वो ये है कि औरतें जो अब तक चार दीवार में कन्फाइंड थी वो भी वहाँ थक चुकी है उन्हें भी फ्रेश एयर चाहिए उन्हें भी बाहर आना है अपना टैलेंट अपने अंदर जो भी आ, उनके अंदर स्किल्स है वो तो शो करना चाहती है वंस दे गेट द अपॉर्चुनिटी दे हैव द एबिलिटी टू प्रूव दिम जिस तरह पेड़ों को अंदर रखना इज़ नॉट गुड लाइक डिफॉरेस्टेशन किसी भी तरीके से सही नहीं है उसी तरह औरतों को भी चार दीवारी में कन्फाइन रखना इज़ नॉट गुड सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टुड द पोएम it reflects on how humans have selfishly destroyed forest and chopped them down so the poetess says that trees which are used for urban decor jo apne ghar ko hum decoration decorate karne ke liye jo paude humne trees to meet our own needs it is not right in any way so the poetess also says that trees belong to forest so keeping them indoor is an unlawful act सो दिस पोएम हाईलाइट हाउ एवरी वन डिजायर्स फ्रीडम एंड एडवाइजेज आस टू ऑनर नेचर्स लॉ इंस्टेड ऑफ़ ट्राइंग टू कंट्रोल दैम मतलब ये जरूरी है कि हम अपने ही बारे में ना सोच के पूरे इन्वायरमेंट के बारे में सोचें पेड़ पौधों के बारे में सोचें इवेन विमेन यानी जो जो सिम्बलाइज किया गया है थिंक अबाउट दैम ठीक है सो रीड द पोएम वंस अगेन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी थिंग इफ यू हैव एनी डाउट एनी वेयर यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी Goodbye.